खबर बुरहानपुर जिले से है, जहां ग्राम पंचायत घाघरला के डालमहू ग्राम में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। दरअसल डालमहू गांव में यहां कुछ लोगों ने बीमार महिला के इलाज के नाम पर उसके परिवार को धर्म परिवर्तन के लिए बहकाने का प्रयास किया। वहीं स्थानीय लोगों का भी कहना है कि इस तरह की गतिविधियां यहां पिछले 2-3 दिनों से चल रही थी, लेकिन जैसे ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी मिली, वे तुरंत मौके पर पहुंचे और धर्मांतरण की कोशिश को नाकाम कर दिया। इसके साथ ही बजरंग दल ने एक महिला और एक पुरुष को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। वहीं इस मामले में गांव के ही रामा बारेला, हैदरपुर के बलिराम बारोला और अनीता बलिराम पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया गया है, जिस पर पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये आज डालमऊ के फरियादी अजय पिता कुंवर सिंह जमरे जाति बारेला निवासी डालमऊ के द्वारा आज चौकी पर आकर शिकायत की गई कि जो 3 लोग हैं, बलिराम बारेला, रामा बारेला और अनीता पति बलिराम, ये दोनों बलिराम और अनीता दोनों पति पत्नी हैदरपुर के और रामा डालमऊ का रहने वाला है। ये अजय को और उसके परिवार को 3 दिन से हिंदू धर्म से हिंदू धर्म परिवर्तन कर क्रिश्चियन धर्म अपनाने का ही लालच दे रहे थे। इसके लिए और इनके द्वारा कहा गया कि भाई जो मूर्तियाँ हैं हिंदू देवी देवताओं की, उनको बाहर फेंको, आप ईसाई धर्म को मानो, तो इसमें आप धर्म को मानोगे तो हम आपकी आर्थिक मदद करेंगे और आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो इस आधार पर फरियादी जो अजय है उसने यहाँ थाना चौकी पर रिपोर्ट करी है। तीनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 3(5) मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के तहत तीनों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।